नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, यानी कि राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सबको ये बात पता है कि जो हमारी वीडियो है, जो ये सीरीज स्टार्ट हुई है, ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम बोथ मीडियम में चीज़ें स्टार्ट हुई है, ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को हेल्पफुल मिले हिंदी की तरफ। मतलब जैसे इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे तो साथ ही साथ हिंदी भी समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर में बहुत लैंग्वेज रहती है, आपको अपने हिसाब से चीज़ों को करना होता है। तो कई बार हिंदी की चीज़ें नहीं समझ में आती तो हमें इंग्लिश को देखना पड़ जाता है, और कई बार इंग्लिश की चीज़ें नहीं समझ में आती तो हिंदी देखना पड़ जाता है। ठीक है, इस वजह से मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपके लिए कि ये चैप्टर को मैं समझा पाऊँ, और आई होप सो इस चीज़ में मैं कामयाब रहूँगा। ठीक है, चीज़ों को समझिएगा। फर्स्ट चैप्टर जिन बच्चों ने नहीं देखा, जाकर आप देख लीजिए। बात करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर की, और सेकंड चैप्टर देखिए क्या लिखा है, राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, संविधान को बनाया गया था। संविधान क्या है, एक प्रकार का रूल्स एंड रेगुलेशन का एक बुक है, मतलब इट मीन्स एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं, जिसके माध्यम से किसी देश को अच्छे से चलाया जाता है। बट उसमें सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस ही नहीं लिखे गए, बल्कि उसमें राइट्स भी लिखे गए हैं कि किस किस व्यक्तियों को कौन कौन से राइट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सब आम व्यक्ति हैं, ठीक है, हम सब आम व्यक्ति हैं, हम आम व्यक्ति के लिए भी इसमें बहुत सारे राइट्स लिखे गए हैं, और जैसे जैसे हमें पोजीशन मिलती चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक लेवल मिलता चला जाता है, हमारी राइट्स इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं हूँ और मेरे सामने एक पुलिस वाला है, अब दोनों के राइट्स में अंतर है कि नहीं है? मैं आम व्यक्ति हूँ तो आम व्यक्ति जितना राइट्स मिलेगा, और जो एक पुलिस वाला है उसको पुलिस वाले जितना राइट्स मिलेगा, आम वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि पुलिस वाले जितना भी राइट्स मिलेगा। इट मीन्स हमें यह समझ में आता है कि जैसी हमारी पोजीशन रहती है, जैसी हमारी लेवल रहती है, उसी के हिसाब से हमें अधिकार मिलते हैं। तो अधिकारों के बारे में हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अधिकारों के बारे में चीज़ों को समझेंगे, इसमें मैं स्टोरी भी बताऊंगा, और स्टोरी के माध्यम से इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात समझ लीजिए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको ये बात पता होना चाहिए कि अधिकार होते क्या हैं। अधिकार को आपको समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना है, ठीक है, कि राइट्स क्या होते हैं। राइट्स मतलब अधिकार। अधिकार एक प्रकार की विशेष शक्ति होती है जो हमें किसी भी कार्य को करने की, है ना, अथॉरिटी देती है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि एक प्रकार की ऐसी कैपेसिटी, एक ऐसी एबिलिटी जो किसी कार्य को करने की परमिशन देती है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि मैं एक व्यक्ति, आम व्यक्ति, और आम व्यक्ति कोई गाड़ी से जा रहा था, मैं उसको हाथ दे के रोका। अब हाथ दे के रोका तो अब जो व्यक्ति रुकेगा, क्यों रुकेगा, इसलिए रुक सकता है ताकि उसको लगेगा कि मैं लिफ्ट मांग रहा हूँ, इसलिए रुकेगा। लेकिन मैं रुकते के साथ उससे कह रहा हूँ कि चलो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, मैं क्या बोला उसको, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा? नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि मैं एक आम व्यक्ति हूँ। लेकिन अगर मेरे जगह पे अगर कोई ट्रैफिक हवलदार है, वो क्या करेगा, किसी को रोकेगा, और रोकने के बाद अगर उसने कह दिया कि भाई डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो उसको मजबूरी में डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है कि आम व्यक्ति ने जब कोई चीज मांगा तो मेरे पास कोई राइट्स नहीं था, लेकिन अगर वही मैं ट्रैफिक हवलदार हूँ और मैंने फिर मांगा तो मेरे पास क्या है, राइट्स है। राइट्स मतलब एक प्रकार का अधिकार, जो एक प्रकार की शक्ति है जो आपको किसी भी कार्य को करने की परमिशन देती है। तो यही बात लिखा हुआ है, अधिकार क्या है। अधिकार किसी व्यक्ति के पास किसी विशिष्ट कार्य को करने की, अथवा किसी विशिष्ट पद को ग्रहण करने की एक प्रकार की क्षमता होती है, एक प्रकार की योग्यता होती है, या एक प्रकार की शक्ति होती है, जो उसे उस व्यक्ति की विशिष्ट अधिकार कहते हैं। यानी कि अगर देखा जाए, किसी व्यक्ति के पास अगर किसी विशेष कार्य करने की शक्ति है, योग्यता है, क्षमता है, तो वो सारी की सारी चीजें उसकी विशेष अधिकार में आएगा। ठीक है, अभी बस छोटा सा है, बस समझते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही है, एंड तक जाते जाते सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि अधिकार एक प्रकार की योग्यता होती है, एक प्रकार की क्षमता होती है, एक प्रकार की शक्ति होती है, जो किसी कार्य को करने की परमिशन देती है, अथॉरिटी देती है। इट मीन्स इफ ए पर्सन हैज द कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर टू डू ए स्पेसिफिक वर्क और टू होल्ड ए स्पेसिफिक पोजिशन, देन इट इज कॉल्ड द स्पेशल राइट्स ऑफ द डेट पर्सन। यानी कि अगर कहा जाए कि अगर किसी व्यक्ति के पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है, पावर है किसी भी कार्य को करने की, या फिर किसी भी पोजिशन को होल्ड करने की, तो वो सारी की सारी चीज एक व्यक्ति की स्पेशल राइट्स में कंसिडर होती है। ठीक है, आगे समझते हैं।
अधिकार मनुष्य के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आपको जैसे पता है कि अगर हम गाड़ी लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका भी हमें अधिकार मिला हुआ है। जैसे आपको कहा जाता है ना कि 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हो तो ही गाड़ी लेके चलो, ये बात बोला जाता है ना, क्योंकि 18 साल से नीचे वाले बच्चों को परमिशन नहीं है गाड़ी चलाने की, ठीक है, क्योंकि उनके पास राइट्स नहीं है। तो ये राइट्स ना जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है राइट्स मिलते चले जाते हैं, राइट्स इंक्रीज होते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम टास्कों को पूरा करते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमें क्या मिल जाता है, राइट्स मिल जाते हैं। तो इट मीन्स क्या समझ में आ रहा है कि अधिकार मनुष्य के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जो एक आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए होता है, यानी कि अधिकार एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए चाहिए होता है, और इसकी वो मांग भी करते हैं। कई बार ना अधिकारों की मांग की जाती है, गवर्नमेंट के सामने अपने अधिकारों की मांग रखी जाती है, ठीक है। आगे, कानून द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों, सभी सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है, और इन अधिकारों की रक्षा भी करती है कौन, करती है कॉन्स्टिट्यूशन। तो समझिए, अधिकार, अधिकारों के बारे में सारी बातें किसमें लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए सरकार सारा काम करती है, और इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी सारी की सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। तो यही सारी बातें हैं कि अधिकार मनुष्य के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, ठीक है, बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, जो आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए होता है, और इसकी वो मांग भी करता है गवर्नमेंट के सामने, और कानून द्वारा प्रदत्त जितनी भी सुविधाएं होती है वो सारे हमारे अधिकारों की क्या करती है, रक्षा करती है। तो राइट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ विच ए पर्सन नीड टू लाइव हिज विच ए पर्सन नीड्स टू लाइव हिज लाइफ, ठीक है, विच ही डिमांड्स, यानी कि जिसकी वो डिमांड करता है, द फैसिलिटी प्रोवाइड बाई द लॉ प्रोटेक्टेड बाय द, ठीक है, प्रोटेक्टेड द राइट्स, यानी कि वो सारी चीज, वो सारी फैसिलिटी जो हमें है ना कानून प्रदान करती है, वो सारी की सारी चीजें हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। तो ये तो आपको सिर्फ अधिकारों के बारे में पता चला कि अधिकार क्या होते हैं, सिर्फ अधिकारों के बारे में। ये देखिए, मैं टॉपिक इसलिए समझा दिया क्योंकि जो हम बुक नंबर 2 पढ़ेंगे ना, बुक नंबर 2, उस बुक नंबर 2 में एक चैप्टर है, 5वां चैप्टर अधिकारों के बारे में, सबसे पहला टॉपिक आपको यही मिलेगा, इसलिए अगर ये चीज क्लियर हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले देखिए, चैप्टर बहुत ईजी है, स्टार्टिंग के थोड़े से टॉपिक आपको लगेंगे कि हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस इतना समझ लेना कि बस पूरी वीडियो देखोगे तो ही सारी चीजें समझ आएंगे। अब समझिए अधिकारों का महत्व समझिए। महत्व को समझाने के लिए मैं आपको दो तरीके की स्टोरी समझाता हूँ, ठीक है, दो तरीके की स्टोरी समझाऊंगा जो कि आपके बुक में भी लिखी हुई है, अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट या सेकंड पेज पे आपको मिल जाएगी देखने को, ठीक है। तो उसके अधिकारों के पहले महत्व को समझिए, और महत्व को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि अधिकार आखिर में हमारे लिए जरूरी क्यों होते हैं। ये देखिए स्टोरी क्या है, एक स्टोरी ये है कि 1982 में एशियाई खेलों से पूर्व निर्माण कार्य हेतु सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली, किस लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए, ठीक है। 1982 में एशियाई खेल का आयोजन किया गया था, और इसमें इसमें फ्लाईओवर तैयार करना था, इसमें स्टेडियम तैयार करना था, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट क्या करेगी, ठेकेदारों को पकड़ेगी, तो ठेकेदारों को पकड़ लिया गया। अब ठेकेदारों की जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई देखो आपको ये सारा काम करना है, ठेकेदारों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट का काम है, पैसा ही बहुत अच्छा खासा मिलेगा, एक काम करते हैं हम गरीब मजदूरों को पकड़ लेते हैं, जैसे देखते हो ना गरीब मजदूरों को पकड़ लिया, मजदूरों को पकड़ के काम पे लगा दिया, भाई चलो काम कर लिया। काम करने के बाद अब गवर्नमेंट क्या करती है, काम जैसे कंप्लीट हो जाता है गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पे जो मजदूरी होता है मजदूरी में कटौती करके दे देती है ना, काट कर चीजों को दे देती है, इतना इतना आपको मिलेगा। अब यहाँ पर मजदूरी तो स्टार्टिंग में तय हो रखी थी कि भाई इतने पे हम काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे 500 रुपये में काम करेंगे, लेकिन जब काम कंप्लीट हो गया तो उनको पता लग रहा है 450 रुपये मिले। अब यहाँ पे मजदूरों को लगता है कि यार ये हमारे साथ गलत हुआ है ना, ये हमारे साथ गलत हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, उस समय कुछ ऐसे टीम थी जो इन सारी चीजों को, इन सारे मैटरों को देखती है, और मैटर को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ना एक याचिका दायर कर देती है ना, एक रिपोर्ट दे देती है कि ऐसे ऐसे इन लोगों के साथ शोषण हुआ है। अब जब सुप्रीम कोर्ट वो सारी चीज को देखती है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है यार वाकई ये सारी चीज हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि भाई इन लोगों के साथ शोषण हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इस वजह से आपको मुआवजा देना पड़ेगा, जो रेस्ट अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा, या फिर जो तय किया गया था स्टार्टिंग में वो आपको देना पड़ेगा। ये किसको हिदायत दी गई, गवर्नमेंट को हिदायत दी गई, तो गवर्नमेंट क्या करती है उस चीज को दे देती है। अब यहाँ पे मैं समझे गवर्नमेंट एकदम बड़े लेवल की, बड़े लेवल की नहीं, ये जो बीच में होता है ना, जो पैसे खाने वाले होते हैं, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से पैसा दे देती है,
लेकिन आगे आने के बाद जो अधिकारियों के पास जो पैसा आता है ना, पैसा यहाँ पे खाया जाता है, इसलिए कहते हैं ना इसमें इतना घोटाला कर लिया, उसमें उतना घोटाला कर लिया। तो अगर व्यक्ति को अपने राइट्स नहीं पता है तो आखिर इन घोटालों का शिकार होना पड़ जाएगा। तो यही बात लिखी, यही स्टोरी है, और यही पे आपको ये बात पता लग रहा है कि शोषण के विरुद्ध हमारे पास अधिकार है, राइट। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक है राइट अगेंस्ट द, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, इस चीज का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध हमारे पास क्या है, अधिकार है। तो इस कहानी को सुनाने का मेन मतलब यही है कि राइट टू एक्सप्लॉइटेशन मतलब हमारे पास शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है, हम अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, 1982 के एशियाई खेलों से पूर्व निर्माण कार्य हेतु सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली, जैसे फ्लाईओवर बनाने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए, और ठेकेदारों ने गरीब मजदूरों को गरीब मजदूरों से काम कराया। ऐसे में सरकार ने तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी मजदूरों की दी, जिसकी वजह से उनके साथ शोषण हुआ। बाद में ये मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचता है तो न्यायालय ने सरकार को ये आदेश दिया कि इन हजारों मजदूरों को तय की गई वेतन जो है ना उनको वापस करो। ठीक है, यानी कि जितना भी आपने पैसा में कटौती किया है उन चीजों को वापस करो। अच्छा, इस कहानी से हमें समझ में आता है, या फिर इस कहानी से हमें ये समझना चाहिए कि हम सबके पास शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोइटेशन है हमारे पास। ठीक है, शोषण के विरुद्ध क्या है हमारे पास, अधिकार। इंग्लिश में भी वही सारी बातें लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टोरी है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपसे बस इतना पूछ लिया जाएगा कि 1982 में जब एशियाई खेलों में ठेकेदारों से काम लिया गया था, उस समय उनके साथ जो घटनाएं घटी थी उनमें किस अधिकार का हनन हुआ था, तो आपको ये लिखना है कि राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोइटेशन, या फिर आप ये कहते हो राइट राइट टू एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला समझ में आता है अधिकारों का महत्व। पहली स्टोरी तो हमने वहां पे क्लियर कर ली, अब दूसरी स्टोरी हम यहाँ पे देखते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मचल लालूंग। क्या नाम है? मचल लालूंग। अब मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आया था, दो बार क्वेश्चन आ चुका है। मचल लालूंग असम के मड़ीगांव जिले के चुबरी गांव के रहने वाला था। 23 वर्ष की उम्र में वो जेल गया। उस पर आरोप लगाया गया था कि वह किसी गंभीर चोट से, ठीक है, किसी को गंभीर चोट पहुंचाया। अब मैं आपको एक स्टोरी इसकी बता रहा हूँ कि स्टोरी क्या थी इसकी। देखिए बात ऐसी थी कि मचल लालूंग असम जिले के, असम जो अपना स्टेट है वहाँ पे एक मणिपुर जिला है, ठीक है, मड़ीगांव जिला है, वहाँ पे चुबरी गांव में रहा करता था। होता क्या है, इसको जेल में लेके जाया जाता है और इस पे इंजाम लगाया जाता है कि इसने किसी को भारी चोट पहुँचाई है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे ही कह दूँ कि आप पे इंजाम लगाया गया कि आपने किसी को गहरी चोट पहुँचाई है, तो क्या आप मान लोगे? नहीं मानोगे ना। अब उसको तो जेल लेके गए, ले जाने के बाद में चेकिंग करते हैं तो पता लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है ना। तो फिर क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और उसको कैदी के तौर पर अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर किसी व्यक्ति को फांसी देना होता है तो फिजिकली वो फिट होना चाहिए, तभी जाकर उसको फांसी मिलेगी। ऐसे ही जब उस पर मुकदमा चलाया गया तो सबसे पहले ये चेक किया गया, क्या ये ठीक ठाक है? तो बाद में पता लगता है कि नहीं यार, मेंटली डिस्टर्ब, मतलब थोड़ा सा दिक्कत है इसके अंदर। फिर उसको अस्पताल में ले जाया जाता है, अस्पताल में वो रहता भी है। उसके बाद अस्पताल वालों ने ठीक करने के बाद वो दो बार जेल वालों को रिपोर्ट वो देते हैं, लेटर चिट्ठी देते हैं कि आपका जो कैदी है वो बिल्कुल फिट हो चुका है, आप आइए और इस कैदी को लेकर जाइए। बट इस लेटर का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब यहाँ पे समझिए, जवाब नहीं दिया। अब वो गया था 23 वर्ष की उम्र में जेल। कब गया था? 23 वर्ष की उम्र में जेल। और 2005 में जब वो छूटा तो कितने साल का होता? वो 77 साल का था। आप मुझे बताइए, 23 वर्ष की जो उम्र होती है किसी व्यक्ति का, एक वो स्टेज होता है, एडल्ट वाला एज होता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर उसको हम जेल लेके गए, और उसमें मुकदमा जो चल रहा था वो चली रहा था, वो अस्पताल में है और उस पर कोई केस भी नहीं हो रहा है, कोई भी मुकदमा हो ही नहीं रहा है, वो अस्पताल में बिता दिया पूरी जिंदगी और 77 वर्ष की उम्र में बाहर निकला, तो क्या उसने अपनी पूरी लाइफ जी? अब यहाँ पर उसके साथ शोषण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के पास, देखिए यहाँ पे एक चीज कहा जाता है कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि अपना जीवन जीने का और स्वतंत्रता पाने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार उसके है ना, उसके साथ इसका उल्लंघन किया गया, वो सारी चीज की गई। इसीलिए हमें पढ़ाया जाता है कि अधिकारों का हमें महत्व क्या है, अधिकार आखिर जरूरी क्यों है।
तो यही बात लिखा है कि अब एक बार मैं पूरी स्टोरी एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। मचल लालूंग असम के मड़ी गांव जिले के चुबरी गांव का रहने वाला था। 23 वर्ष की उम्र में वो जेल गया। उस पर आरोप लगाया गया था कि वह किसी को गंभीर चोट पहुंचाया है और मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया। चिकित्सा के लिए ठीक है तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज भी हुआ। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को दो बार यानी कि 1967 में और 1996 में, देखो कितना बड़ा गैप है, एक है ना 1967 में और दूसरा 1996 में, ठीक है, चिट्ठी भेजी कि मचल लालूंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालूंग ठीक है, लालूंग को देखा जाए तो न्यायिक हिरासत में बनाकर रखा गया। 2005 में उसको छोड़ा गया, 77 वर्ष की आयु में उसको रिहा किया गया। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया तब जाकर लालूंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। हमारा संविधान ठीक है, हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर हमें इसके बारे में नहीं पता है, जाहिर सी बात है हमारे साथ ऐसा हो सकता है जैसा कि मचल लालूंग के द्वारा हुआ। इन दोनों स्थितियों में लोगों के अधिकारों का हनन किया गया, इसलिए अधिकारों का महत्व और बढ़ जाता है, इसलिए हमें अधिकारों के बारे में चीजें पढ़ाई जाती हैं। एक स्टोरी फ्लाईओवर वाली, जिसमें हमने ये पढ़ा कि राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन हमारे पास अधिकार है, शोषण के विरुद्ध हमारे पास अधिकार है। एक चीज यहाँ पे मचल लालूंग की स्टोरी हमने पढ़ी, जहाँ पे हमने ये समझा कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है, जीवन जीने की स्वतंत्रता और है ना, जीवन और स्वतंत्रता का हमारे पास क्या है, अधिकार है। चलिए ये भी हमने क्लियर कर लिया। अब तो ये देखो, अब वही बात है जो हमने आगे पढ़ा ना, वही इंग्लिश में यहाँ पे भी लिखा ठीक है, रिलीज किया गया 2005 में, तो आप खुद ही पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज पढ़ते हैं कि अधिकारों का इतना इंपॉर्टेंस जो है, आखिर इसकी बात कहाँ से शुरू हुई। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोतीलाल। मोतीलाल ने इनकी बात 1928 में करनी शुरू कर दी थी, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तभी से ये बात उन्होंने रखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि अंग्रेजों के समय भी शोषण हो रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए हमारे पास, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होने चाहिए जो हर एक आम व्यक्ति को मिलने चाहिए। तो उनकी एक समिति ने, उनकी एक कम्युनिटी ने ये प्रस्ताव रखा था, किसके सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने रखा था। देखिए पूरी बात बताता हूँ कि अधिकारों का घोषणा पत्र, जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्टो ऑफ राइट्स, देखिए अधिकारों के घोषणा पत्र से अभिप्राय ऐसे पत्र से है जो, जिसे मोतीलाल नेहरू ने 1928 में ठीक है, मोतीलाल नेहरू की एक समिति ने ब्रिटिश सरकारों से मांग उठाई थी। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया था, मतलब सुनिश्चित करने का मतलब क्या है, यह आश्वासन दिया गया था, बताया गया था कि आजादी के पश्चात संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश किया जाएगा और उसे सूचीबद्ध किया जाएगा। यानी कि मोतीलाल नेहरू की एक समिति ने 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ ये बात रखी कि जब अपना देश आजाद होएगा और जब संविधान बनेगा तो इन सभी अधिकारों को हमें चाहिए। ब्रिटिश सरकार कहती है कि ठीक है, जब आजादी मिलेगी तो देख लेंगे और उस समय हम इन अधिकारों को रखेंगे। और तब से लेकर इन फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखा गया और जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो वो सारी बातों को लिख दिया गया। ठीक है, तो यही चीज है। तो लिखा है कि द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स रेफर टू द डॉक्यूमेंट्स व्हिच वाज डिमांडेड फॉर द ब्रिटिश, यानी कि किससे डिमांड किया गया था, ब्रिटिशर्स से डिमांड किया गया था। और किसने किया था, मोतीलाल कमिटी ने किया था। कब किया था, 1928 में किया था। दिस वाज द सर्टेन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग राइट्स विल बी इंक्लूड, यानी कि इसको इंक्लूड किया जाएगा, रखा जाएगा और दूसरा क्या किया जाएगा, लिस्ट किया जाएगा, यानी कि सूचीबद्ध किया जाएगा, इसको लिखा जाएगा ताकि लोगों को हेल्प मिल पाए। आगे इसमें लोगों के मौलिक अधिकारों को रखा गया तथा वे सभी अधिकारों को रखा गया जो कि व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूप से चलाने के लिए आवश्यक। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मान लीजिए मैं ही हूँ, अगर मुझे ही अगर एक कमरे में रखा जाए, बाहर नहीं जाने दिया जाए या किसी से बात करने नहीं दिया जाए, तो क्या मैं मर जाऊँगा? नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर मेरे पास समय समय से खाना आ रहा है और इंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास कई सारी चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है आज की डेट में देखो ना, लोग फोन में ही अपना जीवन गुजार दे रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बाहर मार्केट में जो चीज़ चल रहा है, क्या उसके बारे में मुझे नॉलेज होगी? नहीं होगी, क्योंकि मैं अगर बाहर मिलूंगा नहीं, लोगों से बातचीत नहीं करूंगा, है ना, टॉकिंग नहीं करूंगा, तो मैं चीज़ों को समझ नहीं पाऊंगा। ये तो आज फोन हमारे पास है कि हम सारी चीज़ों को है ना बैठे बैठे ही सब समझ जा रहे हैं, बट पहले ऐसा नहीं था, तो हमें मिलना जरूरी था, है ना, लोगों से बात करना जरूरी था।
तो इसीलिए राइट्स अगर किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, लेकिन अगर राइट्स है तो उस व्यक्ति का है ना फुल्ली डेवलपमेंट होएगा, है ना, पूरा का पूरा विकास हो पाएगा। इसी वजह से राइट्स की है ना रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये लिखा है कि इनमें लोगों के मौलिक अधिकारों को रखा गया, फंडामेंटल राइट्स को रखा गया, जिसकी वजह से है ना ये सभी अधिकार रखे गए जो कि व्यक्ति के जीवन के लिए पूर्ण आवश्यक है। तो इट इंक्लूड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल एंड ऑल दोज राइट्स विच आर नेसेसरी फॉर द पर्सन टू लीड ए कंप्लीट लाइफ, यानी कि पूरे जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। आगे संविधान द्वारा प्रदान किए गए तथा संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को हम क्या कहते हैं, अधिकारों की घोषणा पत्र कहते हैं। मतलब ये सारी की सारी चीज संविधान प्रदान करता है और संविधान ही इस चीज की रक्षा भी करता है। तो ये लिखा है सच लिस्ट ऑफ राइट्स राइट प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैनिफेस्टो ऑफ राइट्स, यानी कि अधिकारों का एक घोषणा पत्र इसी को कहते हैं। तो क्या ये टॉपिक आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही तो भी जरूर बताइए। सबसे पहले मैंने बताया मैनिफेस्टो ऑफ राइट्स 1928 में है ना मोतीलाल की कमेटी ने इस चीज़ को ब्रिटिशर्स के सामने रखा था और आगे चल के इसको शामिल कर लिया गया था है ना अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसी के हिसाब से हमें फंडामेंटल राइट्स मिले। ठीक है, चलो भाई ये भी समझ में आ गया। अब आ जाते हैं भाई मेन टॉपिक पे। ये वो टॉपिक है जिसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और अब इसके बाद का टॉपिक सारा आपको ईजी नजर आएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे पहले भी आप लोग ने है ना 8वीं क्लास में 10वीं क्लास में आप लोग ने पढ़ रखा है तो आपको समझ में आएगा। बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है? तो देखिए मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो एक व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। अगर ये मौलिक अधिकार हमारे लाइफ में ना रहे तो व्यक्ति अपना फुल्ली डेवलपमेंट या फिर पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये लिखा है मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो कि व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए, जिसमें जिसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड करता है? संविधान प्रोवाइड करती है, और संविधान ही क्या करती है, इससे सुरक्षा भी करती है, मतलब प्रोटेक्शन का भी काम करती है। इस वजह से इसमें राज्यों का कोई लेना देना नहीं, तो इसी वजह से लिखा है जिसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये ऐसे अधिकार होते हैं जो कि व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, इनके फुल्ली डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही इंग्लिश में भी लिखा है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर गिवन टू द सिटीजन बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एज दे आर इसेंटियल फॉर द इसेंटियल मतलब जरूरी है। ठीक है, जरूरी इसेंटियल फॉर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड विच कैन नॉट बी ठीक है इंटरफेयर विथ बाई द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट का यानी कि स्टेट्स का इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। आगे क्या लिखा है, दीज आर सच ए राइट विच आर इसेंटियल फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन पर्सनैलिटी। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए जरूरी होता है, एंड विद विदाउट विच ए ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डेवलप फुल्ली, यानी कि वो अपना जीवन है ना जीवन अच्छे से नहीं गुजार सकता या फिर फुल्ली डेवलप नहीं कर सकता। तो ये है मौलिक अधिकार। अब देखिए ये क्वेश्चन पता कैसे पूछता है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है 6 मार्क्स का दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकार क्या है और इसके टाइप्स लिखिए। अब मौलिक अधिकार क्या है ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो इतनी बातें आप लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे, इतनी बातें मतलब यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। और जो 4 मार्क्स है ये इसके टाइप्स के लिए है ना, टाइप्स लिखोगे तब जाके चीजें मिलेंगी। तो आप इसके टाइप्स को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार के 6 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? फंडामेंटल राइट्स के 6 टाइप्स होते हैं, 6 मौलिक अधिकार 6 फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट इज समानता का अधिकार, 14 से 18 में लिखा गया है, यानी कि आर्टिकल 14 to 18 में बात लिखी गई है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी बातें मैं एक बार बता देता हूँ। समानता का अधिकार क्या कहता है? समानता का अधिकार हमें इक्वल रहने का अधिकार देता है, मतलब हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो। समानता का अधिकार वो अधिकार होता है जो व्यक्ति में भेदभाव को कम करता है, बराबरी पर ज्यादा ध्यान देता है ना। जैसे आप देखते हो आपके स्कूल में आप सब लोग समान ड्रेस पहन के जाते हो, एक समान, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कुछ भी हो, एक समान ड्रेस पहन के जाओगे, और इससे क्या समझ में आता है कि हम सब एक जैसे, क्योंकि हमारे दिमाग पर जब भेदभाव किया जाएगा ना कि आप अमीर हो आप अच्छे कपड़े पहन के आओगे, हम गरीब हैं तो
ऐसे कपड़े पहन के नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम पढ़ने से ज्यादा हमारा दिमाग किस पे काम करेगा, वो गरीब है वो अमीर है वो फलाना ढिकाना। तो ऐसी चीजों में हमें सिमिलरिटी रखी जाती है ताकि हम एक दूसरे से कोई भेदभाव ना करें। तो यही लिखा है समानता का अधिकार, जिसमें हमें राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है, एक समान रहने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में बातें लिखी गई है कि राइट टू फ्रीडम, यानी कि हम सबके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, भारत के किसी भी जगह में आने जाने रहने खाने पीने उठने बैठने हर चीज का अधिकार है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अभी जस्ट मैंने बताया था ना शोषण हुआ था है ना, मजदूरों के साथ शोषण। अब ऐसे ही देखो बच्चों के साथ भी शोषण होता है, बच्चों को हम काम पे रख लेते हैं और उनको तय किया गया पैसा नहीं देते हैं, या कहते हैं यार बच्चा ही तो है तू इतना काम नहीं किया इसलिए तेरे को हम कम पैसा दे देंगे, तो वहां पे शोषण होता है। शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है, ये कहाँ लिखा है 23 से 24 अनुच्छेद में, आर्टिकल 23 से 24 में लिखा गया राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोइटेशन। आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 में बात लिखी गई है, आर्टिकल 25 से 28 में लिखी गई है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, जिसमें हमें बात पता है कि हम सबके पास अधिकार है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं या किसी भी धर्म में आ सकते हैं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने धर्मों का प्रचार कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से पूजा आस्था कर सकते हैं, चाहे हमें जागरण करना जागरण करेंगे, चाहे हमें है ना जो भी करना है ना लंगर बांटना है कुछ और करना है हम करेंगे अपने हिसाब से अपने धर्म को है ना वो करने के लिए। आगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें हमें समझ में आता है आर्टिकल 29 से 30 में बात लिखी गई है कि राइट्स रिलेटेड टू ए कल्चर एंड एजुकेशन, हर व्यक्ति के पास अपनी संस्कृति को बचाए रखने का है ना अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मैं किसी स्टेट से बिलोंग करता हूँ, अब मेरी वहाँ की जो संस्कृति है, अब ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और गया हूँ तो मैं अपनी संस्कृति को छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें अपने कल्चर को बनाए रखने का अधिकार देता है। जैसे देखो ना अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की शादियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार से त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है, वो उनकी परंपरा है वो अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है, और हमारे पास शिक्षा पाने का भी अधिकार है, हर एक बच्चे के पास अपने पास शिक्षा पाने का अधिकार है। अगर आपके माँ बाप आपको पढ़ा नहीं रहे तो आप समझिए, क्योंकि एक समय पे जो माँ बाप हैं वो उनकी एज हो जाएगी तो उसके बाद सारे डिसीजन आपको लेना है। लेकिन अगर आप अभी से मैच्योर नहीं हो कि आपको पढ़ाई को लेकर आप सीरियस नहीं हो कि हाँ मम्मी पापा ने कहा चल पढ़ाई छोड़ दे कोई बात नहीं, तो आप पढ़ाई छोड़ के घर पे बैठे हुए, तो ऐसी सिचुएशन में भाई ऐसी सिचुएशन में अभी आपको पता नहीं लगेगा, आफ्टर जब एक एक एज हो जाएगी एडल्ट हो जाओगे तब समझ में आएगा पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ाई में वो चीज़ करवाए जाते हैं या फिर जो करते हो वो नहीं करवाए जाते तो आपके पास अधिकार होते हैं, बट यहाँ पे ये नहीं कि आप लड़ने लग जाओ, यहाँ पे ये है कि आप प्यार से मनाओ मम्मी पापा को चीज़ कराने के लिए वो रेडी हो जाए, है ना। तो आपके पास शिक्षा का पाने का भी अधिकार है और संस्कृति का भी अधिकार है, जिसमें शिक्षा पाने का अधिकार जैसे आपको ना 8वीं तक शिक्षा फ्री है, उसके बाद में भी सारी फ्री है गवर्नमेंट अगर कॉलेज में जाते हो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो और बढ़िया है, ठीक है। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज करके आपके पास अधिकार आता है, और इसका मतलब क्या है मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ। अगर आपके इन पांचों मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर कोई आपके इन पांचों मौलिक अधिकारों को मान नहीं रहा है, तो ऐसे में आपके पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जहाँ से आपको इन मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का परमिशन मिलेगा। इट मीन्स आप इसके लिए कहाँ जा सकते हो, आप जा सकते हो कोर्ट, और कोर्ट में भी कहाँ, ठीक है, कोर्ट में भी कहाँ आप जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। तो ऐसे में आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट में आप अपनी अपीलों को रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब कहो तो भैया ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, समस्त सोच संस्कृति उपचार क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि समस्त सोच संस्कृति उपचार क्या लिखा गया है, ये एक प्रकार का ट्रिक है जिसके द्वारा आप इसको याद कर सकते हो, और मैं आपको अब वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए ट्रिक ये है, ट्रिक क्या कहता है, आपको ये याद रखना है समस्त शोध संस्कृति उपचार, अगर आप ये एक लाइन में याद कर लेते हो ना तो आप समझ जाओ एक लाइन से आपको मौलिक अधिकार याद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सम से क्या हो गया समानता का अधिकार, स्व से क्या हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, सो से क्या हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब यहाँ पे देखिए सम आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्व आगे भी आ रहा है, सो इसमें भी आ रहा है ना। ध से क्या हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति से हो गया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और उपचार से हो गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप कोर्ट जाओगे तो जाहिर सी बात है ये पांच मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर वॉयलेशन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जाओगे ना, तो यही है समस्त शोध संस्कृति उपचार। इसमें आपके समझ में आएगा कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और संस्कृति से संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और उसे हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इट मीन्स ये सारी चीज समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर कई सिचुएशन में ये भी देखा जाता है
अब आपको समानता का अधिकार आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 14 to 18 लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए चार प्रकार के आर्टिकल्स हैं। अब एक एक आर्टिकल्स को भी समझा देता हूँ। हालांकि देखिए जो आपका पेपर है, पेपर में 2 नंबर में तो आपको मौलिक अधिकार लिखना है, और जो 4 नंबर है, 4 नंबर में इसके टाइप्स लिखने हैं, और टाइप्स लिखने के बाद आपको अपने आप से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे समानता का अधिकार ये होता है जिसमें हमें भेदभाव ना करने का वो होता है ना, बराबरी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है ना, इक्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार से आप बना बना के लिख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो सटीक आंसर देना तो आप इसको भी थोड़ा सा पढ़िए, इससे भी आपको आइडिया मिलेगा कि समानता का अधिकार में क्या क्या चीज की समानता है। जैसे सबसे पहला लिखा है कि अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि अनुच्छेद 14 में बात लिखी हुई है कि अगर कानून के सामने अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति समान है। कानून कैसे, जैसे आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप पुलिस स्टेशन में गए, तो पुलिस स्टेशन वाला जो है, पुलिस है, वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप गरीब हो तो आपका रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, वो अमीर है तो उसका रिपोर्ट लिख दूंगा। वो उसके लिए सबके सब बराबर है। तो यहाँ पर कानून के समक्ष जो समानता है, इसका मतलब यह है कि कानून की नजर में सारे व्यक्ति बराबर है, कोई अमीर कोई गरीब ऐसा कोई नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि करप्शन आज के डेट में बहुत है तो वो चीजें हो सकती हैं, बट कानून के समक्ष समानता ये है। आगे इसी को कहते हैं राइट बिफोर, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आगे अनुच्छेद 15 में क्या बात लिखी गई है, कानून का समान संरक्षण, यानी कि कानून जो हमें प्रोटेक्शन देगा, जो हमें सुरक्षा देगा, तो वो एक समान देगा, मतलब एक जैसा देगा। उसके नजर में हम सब बराबर हैं, ना अमीर है ना गरीब है, ना छोटा है ना बड़े, हम सब एक जैसे हैं। तो ये लिखा है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये बात किसमें लिखी गई, आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में क्या लिखा है, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर हमारे साथ क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 16 में क्या लिखा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर हमारे साथ क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात किसमें लिखी गई है, 16 में। अनुच्छेद 17 में क्या लिखा है कि रोजगार में अवसर की समानता, जैसे है ना कोई भी जॉब है वहां पर भी एक समान समानता है। अगर मैं नॉलेजेबल हूँ, मैं जानता हूँ सारी चीजों को, तो मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई मेरे सामने ऊंची जाति का है, मैं गरीब जाति का हूँ, मैं नीची जाति का हूँ, तो यहाँ पर मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। गवर्नमेंट भी कभी भेदभाव नहीं कर सकती, इन सभी चीजों का हमारे पास क्या है, अधिकार है, ठीक है। तो ये बात लिखा है कि रोजगार में हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी पाने का, ठीक है, वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये बात किसमें लिखा है, 17 में लिखा है। अनुच्छेद 18 में क्या लिखा है कि पदवियों का अंत और छुआछूत की समाप्ति। पदवियों का अंत का मतलब क्या होता है, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एंड एंड ऑफ द अनटचेबिलिटी। अब यहाँ पे टाइटल्स का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा देखते हो ना, लोग कहते हैं कि मैं तो विधायक का ये लगता हूँ, या तो मेरे पापा है ये हैं, मेरे चाचा वो है, मेरे वो है। अब यहाँ पे आपने टाइटल्स का यूज नहीं करना है, आप एक आम इंसान हो, बात ऐसी है। अब यहाँ पे बात लिखी गई अनुच्छेद 18 में बात लिखा कि पदवियों का अंत, आपकी पदवी नहीं देखी जाती है, ठीक है, पदवियों का अंत। स्कूल में भी पदवी के हिसाब से चीजें नहीं होती है। आप अगर स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हो तो आप उसके लिए एक नॉर्मल है ना स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट का आप पिताजी हो, ये नहीं कि विधायक के लड़के हैं तो एडमिशन फट से कर देंगे। अब फिर मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि करप्शन अगर होगा तो विधायक का बेटा भी देखा जाएगा, करप्शन अगर होगा तो कोई भी व्यक्ति भी देखा जाएगा कि हाँ भाई ये तो इसकी पावर बहुत है, इसकी एडमिशन कर लो, ऐसा भी देखा जाएगा। लेकिन अगर करप्शन नहीं है तो एक समान सबको समझा जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि पदवियों का अंत। और छुआछूत मतलब क्या, अनटचेबिलिटी। पहले क्या होता था, पहले लोग लोगों से छूने से बचते थे, मतलब बड़ी जाति नीची जाति को छूने से बचती थी, और ऐसी चीजों का अंत होना बहुत ज्यादा जरूरी था, और अंत भी हुआ। इसी वजह से लिखा है कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एंड एंड ऑफ द अनटचेबिलिटी, इन चीजों को खत्म किया गया और ये हमारे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, अनुच्छेद 18 में बातें सारी लिखी गई, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें हमें यह समझ में आएगा कि राइट टू फ्रीडम, ये बातें लिखी गई हैं 19 to 22। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम अपने हिसाब से भाषण, जैसे देखो नेताओं का भाषण देते हैं, अभिव्यक्ति अपनी बातों को सामने वाले के पास रखते हैं, ऐसे भी स्वतंत्रता हमारे पास है। शांतिपूर्ण जमा होने की स्वतंत्रता, हम कहीं भी शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हो सकते हैं, स्वतंत्र हो, इन चीजों के लिए हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी संगठित हो सकते हैं, इनके भी हमारे पास क्या है, स्वतंत्रता है। तो ये आर्टिकल 19 में क्या लिखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम स्पीच भी दे सकते हैं, एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, अपनी बातों को बयां भी कर सकते हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल्ली, अगर हम पीसफुल्ली अगर कहीं पर असेंबल होना चाहते हैं वो भी हो सकते हैं,
या फिर हमारे पास फ्रीडम है एसोसिएशन करने के लिए, एक प्रकार का संघ बनाने के लिए, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या बात लिखी है, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हमारे पास है, भारत के किसी भी हिस्से में जाकर बसने की स्वतंत्रता है, ये किसमें लिखी गई है, अनुच्छेद 20 में लिखी गई है। तो ये लिखा है कि आर्टिकल 20 फ्रीडम टू ट्रेवल एनी वेयर इन इंडिया, मतलब भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब एनी पार्ट या फिर एनी प्लेसेस ऑफ इंडिया, हम भारत के किसी भी हिस्से में बस सकते हैं, ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 20 में। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि क्या भैया इनमें से पूछ लेगा क्या अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है? नहीं भाई ऐसा नहीं पूछेगा, आप टेंशन में मत आओ, आपसे बस इतना है कि एक प्रकार से स्वतंत्रता के अधिकार में आप लिखोगे क्या, ये बातें आपके लिए रखी गई है कि आप ये सारी बातें लिख सकते हो, भाषण देने की स्वतंत्रता है, असेंबल होने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, ये सब चीज जानने के लिए मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको, ये नहीं कि आर्टिकल याद करना, नहीं, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो भाई जरूरी है ना। चलो आगे अनुच्छेद 21 में क्या कहता है, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता और अपने अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपने हिसाब से कोई भी ट्रेड कर सकते हैं और कोई भी वर्क है ना, मन पसंदीदा जो वर्क है उस चीज को हम चूज कर सकते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या कहा है कि जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अब देखिए यहाँ पे यही बात है, अब मचल लालू के साथ जो हुआ था ना ये वही है, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उसके पास था, ठीक है। अभिव्यक्तों तथा सजा पाए हुए लोगों के पास भी क्या है, उनके पास भी एक प्रकार का स्वतंत्रता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बात लिखा हुआ है कि राइट टू प्रोटेक्ट ऑफ लाइफ एंड द पर्सन लिबर्टी, यानी कि एक व्यक्ति को अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। जैसे अब मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति आ रहा है ऐसा तो मारने आ रहे हैं तेजी से, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि वो मारेगा और मैं मर जाऊंगा, तो क्या आपको अपनी जान बचाने के लिए अगर वहां पर आपको लड़ना पड़ जाए, उसको मारना पड़ जाए, तो भी आप मारोगे, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी प्यारी है और इस चीज का भी अधिकार आपके पास है कि अगर आपको कोई मारने आ रहा है और आप अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए सामने वाले को आहत करते हो तो आपके पास राइट्स है। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको मार ही दो पूरा, वो मार रहा था तुम मार, भाई तुम झूठ भी तो बोल सकते हो, तो ऐसे सिचुएशन में पूरा जान से नहीं मारना, आप अपने शरीर की रक्षा कर सकते हो और उसके लिए थोड़ा बहुत आहत भी कर सकते हो या फिर उसको बांध के रखो जब तक कि पुलिस ना आ जाए ना, ऐसा करके, तो यही है राइट टू प्रोटेक्ट ऑफ लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी, ठीक है, और फ्रीडम फॉर द एक्यूज्ड एंड द कन्विक्टेड टू टेक मेजर्स फॉर देयर ऑन सेफ्टी। यहाँ पे देखा जाए तो जितने भी ऐसे लोग होते हैं जिनको सजा मिली हुई होती है, जो पुलिस स्टेशन में होते हैं, ठीक है ना, लॉकअप में होते हैं, उनके पास भी राइट्स हैं इन चीजों के खिलाफ, ठीक है, कि वो अपना मुकदमा वगैरह है ना लड़ सकते हैं, ये सारी चीज। अगला शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 23 से 24 में लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहली चीज बधुआ मजदूरी पे रोक, बधुआ मजदूरी का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिशन ऑफ बाउंडेड लेबर, हम किसी को ना बांध के काम कराता नहीं, तुझे कार्य करना ही है, ऐसी चीजों पर रोक लगाएगा। इसके साथ साथ आर्टिकल 24 में क्या लिखा है कि जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, इसका मतलब 24 में ये बात लिखी हुई है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हजार्डियस जॉब्स, यानी कि ऐसे जॉब जिसमें जोखिम होते हैं, ऐसे कामों में हमें मजदूरी नहीं लेनी है, किसी बच्चे से कोई काम नहीं कराना है, ये बात किसमें लिखी गई, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में बातें रखी गई, ठीक है। आगे अब इसके बाद वाले तो सब इजी है, समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी जल्दी। अगला है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मैंने क्या बताया, इसमें कोई व्यक्ति अपने धर्मों का प्रचार कर सकता है, तो ये लिखा है आर्टिकल 25 में क्या लिखा है, आस्था और प्रार्थना की आजादी, मतलब फ्रीडम ऑफ फेथ एंड प्रेयर, हमें किसी भी धर्म में आस्था है और किसी भी धर्म के मैं प्रेयर करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसके लिए हमारे पास आजादी है। अनुच्छेद 26 में क्या लिखा है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन और खास तरह की संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने का, मतलब कि अगर हम चाहें तो कोई भी धर्म का, जैसे हम कहते हैं ना जागरण करना है, तो इस प्रकार का हम जागरण कर सकते हैं, तो मतलब कोई भी धार्मिक मामलों के प्रबंधन और खास तरह की संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता, मतलब हम अपने धर्मों के बारे में चीजें बता सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है कि आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एंड गिव्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल है ना इंस्टीट्यूशन, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में हम अपने धर्म से रिलेटेड जो बातें हैं, जो इंस्ट्रक्शन है, उसको हम बता सकते हैं, दे सकते हैं। अनुच्छेद 27 में क्या लिखा है, धर्म प्रचार धार्मिक संप्रदायों की देखरेख के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे देखिए, बहुत पहले ना एक जजिया कर लिया जाता था, जो कि गैर मुस्लिम होते थे उनसे लिया जाता था, इट मीन्स आप सीधा कहो तो ऐसे लोग जो कि मुस्लिम नहीं होते थे उनसे लिया जाता था, बहुत पहले जजिया नामक कर लिया जाता था। अब
उस टाइम पे जब ये बात पता लगती है अकबर को कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, आगे चल के उन्होंने जजिया कर को खत्म करवा दिया, बंद करवा दिया। अब ऐसी चीजें आज की डेट में भी अगर चल रही हैं कि धर्म के नाम से आपसे टैक्स वसूला जा रहा है, तो इन चीजों पर क्या लगना चाहिए? रोक लगना चाहिए। तो यही लिखा है कि धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देख रेख के लिए कोई भी कर न देने की स्वतंत्रता, ये आपके पास राइट्स हैं। तो ये लिखा है कि 27 में, आर्टिकल 27 में फ्रीडम नॉट टू पे टैक्स फॉर द, ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजन सेक्टर। यानी कि अगर देखा जाए, अगर आप कर ले रहे हो और अपने संप्रदायों का देख रेख कर रहे हो, तो ऐसा चीज गलत है, आपसे उचित ना लिया जाए। अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है कि किसी भी सरकारी संस्था में, शिक्षण संस्था में कोई भी धर्म के आधार पर कोई शिक्षा ना दी जाए। मतलब किसी भी जहाँ पे एजुकेशनल सेक्टर है वहाँ पर धर्म के हिसाब से वहाँ पे शिक्षा नहीं दिया जाए कि ये धर्म बढ़िया है, वो धर्म बढ़िया है, ऐसा पढ़ो ऐसा, नहीं, धर्मों के हिसाब से चीज़ें नहीं है। ये अपना धर्म का एक अलग मैटर है, पढ़ाई एक अलग मैटर है, इसलिए कभी पढ़ाई में धर्म नहीं लाया जाता, ठीक है। तो ये लिखा है कि आर्टिकल 28 में नो रिलीजियस एजुकेशन विल बी गिवन इन एनी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये बातें रखी। चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें क्या बातें रखी गई है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में लिखा गया है कि अनुच्छेद 29 में भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, अपनी एक लिपि इंस्क्रिप्शन, ठीक है, या फिर अगर देखा जाए संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। मतलब कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसके पास ये राइट्स है कि अपनी कोई उसकी भाषा है, उस चीज़ को मेंटेन कर रखे, करके रखे। अगर उसके पास अपनी कोई स्क्रिप्ट है, मतलब लिपि है, उसको भी वो रखे, कोई संस्कृति है उसको भी बनाकर रख सकता है, ठीक है। तो यही लिखा है कि आर्टिकल 29, सिटीजन्स ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया हैव द राइट टू मेंटेन देयर स्पेशल लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, यानी किस चीज़ को मेंटेन कर सकता है, और आर्टिकल 29 में बातें लिखी गई। आगे अनुच्छेद 30 में क्या लिखा है? भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था की स्थापना तथा उसे प्रशासन को चलाने का अधिकार देता है। मतलब कि भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यकों शिक्षण संस्थानों की स्थापना, यानी कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना, या फिर कोई भी ऐसा समुदाय है जो किसी अलग धर्म से बिलोंग करता है, अलग समुदाय से बिलोंग करता है, उसके पास अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए या फिर अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए उसके पास राइट्स है, वो अपनी संस्कृति को फैला सकता है और इसके लिए वो कोई इंस्टीट्यूट भी बना सकता है। तो ये लिखा है कि भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन को चलाने का उसके पास क्या है? अधिकार है। तो ये लिखा है आर्टिकल 30 में गिव्स द राइट्स टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू लैंग्वेज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसके पास कोई भी इंस्टीट्यूट चलाने का अधिकार है, कोई भी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज और अपने धर्म धार्मिक चीज़ों के बारे में बताने का और उसके पास अधिकार है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने ये देखा। अब एक लास्ट आप देख लीजिए और इसके साथ साथ ये ओवर हो जाएगा, क्या है? अनुच्छेद 32 में ये बात लिखी गई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इट मीन्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या बात लिखी गई है कि अगर आपके 5 ऊपर के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपके पास राइट्स है, कहाँ जाने के लिए? कोर्ट में जाने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यही बात लिखा है कि मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का भी अधिकार है, और जिसे हम क्या कहते हैं? रिट कहते हैं। तो ये लिखा है आर्टिकल 32 में, राइट टू गो टू कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट के लिए आप जा सकते हो, ठीक है, अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए जा सकते हो, और ये बात लिखा गया है, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इट्स नोन एज, ठीक है, राइट्स। तो राइट टू गो टू कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आप वहां पे जा सकते हो, और इसी को हम रिट कहते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? रिट कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, जो नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं वहां पे हम रिटों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे, लेकिन बस इतना आप समझ लीजिए कि राइट टू गो टू कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इट्स नोन एज अ राइट, रिट, मतलब इसको हम रिट कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब भी हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है और जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट क्या करता है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स जारी करता है, और उस डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं? रिट कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स का काम क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट्स का काम ये होता है कि जो भी आपके साथ गलत हुआ रहेगा उसके खिलाफ उसमें एक्शन लिखा रहेगा, यानी कि सामने वाले को उसको फॉलो करना पड़ेगा जिस भी हिसाब से कोर्ट ने आदेश दिया है। अब यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात है। क्या नोट करने वाली बात है? यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है वन मार्क्स में क्वेश्चन आता है अनुच्छेद 19F में, ये बात लिखी हुई है कि संपत्ति के अधिकारों को 1978 के द्वारा हटा दिया गया। यानी कि देखा जाए
अनुच्छेद 19F में संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार हमारे पास होता था, और इस अधिकार को 1978 में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और हटाने के बाद, मौलिक अधिकार से हटाने के बाद, इसको ना कानूनी अधिकार दे दिया गया, मतलब लीगल राइट्स दे दिया गया, फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया। समझ में आ रही बात? अनुच्छेद आर्टिकल 19F को, जिसका वो था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 1978 में हटा दिया गया था, और हटाने के बाद इसको लीगल राइट्स रख दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स इसको हटा दिया गया था। अब यहाँ पे एक बात और समझिएगा, एक क्वेश्चन और आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि संविधान के जनक यानी कि संविधान के पिता के रूप में हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जानते हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या बात कही है कि अनुच्छेद जो 32 है ना, आर्टिकल 22 है ना, 32 है ना जो, तो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगर देखा जाए तो हृदय और आत्मा क्यों कहा है, जिस तरीके से हमारी बॉडी के लिए हृदय और हमारा जो है ना साउल आत्मा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स के लिए ये जो अधिकार है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर के 5 मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में हमारे पास ये अधिकार है कोर्ट में जाने का। अगर मान लेते हैं अगर ये हमारे पास अधिकार नहीं है तो क्या हम कोर्ट में जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 32 जो आर्टिकल है उसको हृदय और आत्मा के अधिकार दिया, इट मीन्स हर्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस चीज का इन्होंने है ना वो दिया, स्टेटमेंट दिया। तो ये बातें आई होप्स आपको समझ में आई होगी। 32 में बात लिखी गई है, 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था और फंडामेंटल राइट्स हटाकर लीगल राइट्स में इसको शामिल कर दिया गया था। और इस तरीके से देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट अपना जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो बस इतना है, आई होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। हमने आज जो जो बात किया, सबसे पहले हमने बात किया अधिकारों के बारे में थोड़ा सा, फिर हमने देखा महत्व, अधिकारों का क्या महत्व होता है, फिर मैनिफेस्टो ऑफ राइट्स मतलब अधिकारों का घोषणा पत्र, फिर हमने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि उसके टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा कि एक एक में क्या क्या लिखा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने पढ़ा दिया, और लास्ट में हमने पढ़ा कि कौन सा ऐसा अधिकार था जिसको फंडामेंटल राइट्स से हटाकर लीगल राइट्स में डाल दिया गया था, जिसको हम कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, 1978 में इसको हटा दिया था। आई होप तो सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से वो कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है, आप उस पर मैसेज कीजिए, बात कीजिए, या फिर अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर आप चाहते हो कि ये सारी की सारी चीज़ आपको लाइफ में सारी चीज़ें मिले, या फिर आप ये कहो कि आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर मिले जहाँ पर कोई एड्स वगैरह ना चले, तो विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल ऑलरेडी है, आप वहाँ पर चीज़ों को इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। आई होप सो सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।